27 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में अब तक जितने भी मतभेद हुए हैं वो किसी न किसी दल या फिर किसी न किसी नेता की वजह से हुए हैं। और यही वजह है कि न तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन पन पाया और न ही 3 बैठकों के बाद भी इस गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया। अब जब 19 दिसंबर को इस गठबंधन की एक और बैठक दिल्ली में हो रही है तो सबकी नज़र इसी पर है कि क्या अब ये गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर पाएगा या फिर इस गठबंधन में इस बार भी गांठ लग जाएगी और इसकी वजह कोई नेता नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े कारोबारी गौतम अडानी होंगे। आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। विपक्ष के गठबंधन इंडिया में जो 27 दल हैं वो और किसी बात पर सहमत हों ना हों, दो बातों पर साफ साफ सहमत होते दिखे हैं। पहली बात बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की है, जिन्हें हर हाल में यह गठबंधन सत्ता से हटाना चाहता है। और दूसरी बात कारोबारी गौतम अडानी की है, जिन पर इस गठबंधन के सभी दल कमोबेश सवाल उठाते ही रहते हैं। लेकिन अब इस गठबंधन की पहल करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिसकी वजह से इस गठबंधन के साझे मसौदे पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखने लगे हैं। दरअसल दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी ने बिहार में करीब 8700 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। ये फैसला बिहार सरकार की ओर से आयोजित इन्वेस्टर मीट में हुआ है, जिसमें 300 कंपनियों ने करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के निवेश की बात की है। और इन निवेशकों में उन गौतम अडानी की कंपनी भी शामिल है जिनके खिलाफ कांग्रेस से लेकर TMC तक ने मोर्चा खोल रखा है। गौतम अडानी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जो अडानी के खिलाफ बोलने में एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, न देश में न देश के बाहर। बाकी TMC की ओर से महुआ मोइत्रा भी लगातार अडानी के खिलाफ सवाल उठाती ही रहती है। और तभी तो ममता बनर्जी ने बंगाल में पोर्ट बनाने का जो टेंडर अडानी की कंपनी को दिया था उसे भी रद्द कर दिया है और नए सिरे से टेंडर जारी करवा दिए। रही सही कसर उद्धव ठाकरे ने पूरी कर दी है, जिन्होंने गौतम अडानी की कंपनी को मुंबई के स्लम एरिया धारावी को डेवलप करने के लिए दिए गए टेंडर के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में बिहार में अडानी की एंट्री से इस गठबंधन के नेताओं को शॉक लग सकता है और सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर सवाल भी उठ सकते हैं। और नीतीश कुमार ही क्यों, इस गठबंधन के एक और अहम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तो झारखंड में अडानी की एंट्री को मंजूरी दे ही रखी है। बाकी अशोक गहलोत से लेकर भूपेश बघेल तक जब अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने भी अडानी ग्रुप को अपने यहाँ मंजूरी दी ही थी और तब उस पर भी सवाल उठे थे। लेकिन अब तो सवाल इंडिया गठबंधन का है और सवाल अब सिर्फ और सिर्फ गठबंधन का ही नहीं बल्कि गठबंधन में शामिल नेताओं का भी है जिन्हें सीट शेयरिंग करनी है। और ऐसे नाजुक मौके पर बिहार में अडानी की एंट्री ने भले ही बिहार को मजबूत किया हो लेकिन गठबंधन के नेता के तौर पर तो नीतीश कुमार कमजोर ही होंगे और जो हालिया बैठक होने जा रही है इंडिया की, हो सकता है कि उसमें सबसे ज़्यादा सवाल नीतीश कुमार के इस फैसले पर ही उठे। बाकी जवाब तो हेमंत सोरेन को भी देना ही होगा। तो देखते हैं कि अभी तक अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से जो नेता एक मंच पर आकर भी एक साथ नहीं आ पा रहे थे वो अब गौतम अडानी के नाम पर कैसे गठबंधन का संतुलन साध पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।